أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Today my topic is about the short story of the hills This topic is class 6 Dear students the author in the story tells us about a particular place which is known as Basantgarh. The author had decided to go to this place and spend his summer vacation there. The author's main purpose was that he write something about this proper or particular place which is known as Basantgarh. So dear students, I will read this lesson and you will give attention towards this. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I heard so much about Basantgarh and its environs and the denizens of that area that I decided to go and spent my summer vacation there. The writer tells us that an idea was in my heart that I have decided to go this place which is known as Basantgarh and spent my summer vacations there. When I reached Basantgarh, I felt as if I had been dropped in a bucket of cold water. जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने अपने आप से महसूस किया कि जैसे मुझे एक सर्द पानी के बाल्टीन में डाला गया है इसका मतलब यह है कि वहाँ जोरों की सर्दी थी टेम्परेचर वहाँ कोल्ड था आफ्टर हैविंग आई हैव बीन पिक्ड आउट ऑफ ए कल्ड्रोन ऑफ बॉइलिंग ऑयल तो इसके बाद जब ऐसा ऐसे सूरज निकलना शुरू हुआ तो गर्मी इतनी थी कि मुझे समझ में आ गया शायद मुझे उबले हुए तेल में डाला गया इसका मतलब है इस वक्त मुझे शिद्दत की गर्मी महसूस हुई ऑल राउंड देयर वायर ग्रीन मेज फील्ड्स विद फार्मर्स वर्किंग इन देम और वहाँ मैंने सिर्फ मक्की के खेत देखे जिसमें ज़मींदार काम करने में बिजी थे एंड द स्वीट साउंड ऑफ सोहिदिस फ्लोटेड इन नाउ एंड देन कैरीड बाय द ब्लोइंग ब्रीज और वहाँ अच्छे अच्छे मीठे मीठे गीत गा रहे थे जिसको वो सोहिदिस कहते हैं यानी औरतें या मर्द अपनी इन मक्की के खेतों में मीठे मीठे गीत गा रहे थे कैरीड बाय द ब्लोइंग ब्रीज और इसके साथ साथ एक ताज़ा हवा भी चल रही थी देवदार एंड पॉटल ट्रीज ऑन द हाई हिल रेंजेस स्वेड इन द ब्रीज लाइक यंग बॉयज डांसिंग मेरी तो मैंने वहाँ देवदार के दरख्त पाए और पॉटल के दरख्त पाए जो ऊंची-ऊंची पहाड़ियों पर वाक़ थे और वहाँ इस कस्म की ताज़ा हवा चल रही थी यानी ब्रीज चल रही थी जैसे मुझे महसूस हुआ कि शायद जवान लड़के डांस कर रहे हैं और अपनी सुरीली आवाज़ में कुछ गा रहे हैं द नेक्स्ट डे न्यूज़ स्प्रेड ऑल अराउंड दैट अ मैन फ्रॉम द सिटी हैड कम दूसरे दिन तमाम इस बसंतगढ़ में एक खबर पहुंची कि एक आदमी शहर से आया है यहाँ इट इज़ माई नेचर दैट आई कॉन्ट सिटल एट वन प्लेस लेकिन ये मेरा कुदरती तरीका था मेरा तरीका था कि मैं एक ही जगह नहीं ठहरता था आई केम आउट ऑफ द फॉरेस्ट मैं जंगल से बाहर आया एक रेस्ट हाउस में चला गया टू लुक फॉर ए सूटेबल स्पॉट और मैंने वहाँ देखा कि मैं एक अच्छी जगह चूज़ करूँ सिलेक्ट करूँ वाई आई कुड सिट जहाँ मैं बैठ सकूँ एंड वॉच द स्पेक्टिकल ऑफ द माउंटेन्स और मैं इन पहाड़ों का वाच करूँगा
इसके बारे में मैं ताकि ऑब्जर्वेशन करूँगा, एंड इफ़ आई गॉट इन टू द मूड टू राइट समथिंग, अगर मुझे थोड़ा मूड भी आया तो मैं इस बारे में, इस जगह के बारे में, इन जंगलात के बारे में कुछ लिखूँ। आई फाउंड ए स्पॉट, तो मैंने कोशिश करते हुए एक जगह पाई अंडर ए देवदार, एक देवदार के नीचे, देयर वॉज ग्रीन ग्रास टू नो नीड टू स्प्रेड ए डोरी, तो वहाँ इतना सब्ज घास था कि मुझे कुछ पलंग या बिस्तरा या कुछ ये मतलब शतरंज बिछाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड फ्रॉम देयर वन कुड हैव ए लवली व्यू ऑफ द रिवर इज, और वहाँ एक नीचे से खूबसूरत दरिया बह रहा था। आई लुकड एट द बॉटल ग्रीन क्लियर वाटर, मैंने वहाँ देखा इसमें साफ पानी बह रहा था। एंड कुड नॉट टेक माई आइज ऑफ इट, लेकिन मेरी आँखों ने इसको नहीं लिया। ए लिटल फर्दर डाउन द वाटर ऑफ द रिवर स्टक अगेंस्ट द रॉक, तो अचानक मुझे नज़र पड़ी दूसरी तरफ से, तो पानी वहाँ से एक चट्टान के टकरा कर बह रहा था। इट लुक्ड लाइक समवन फोमिंग एट द माउथ इन ए फिजी अफ्रेश, तो ये ऐसा लग रहा था कि कोई मतलब किसी की किसी के मुंह से कुछ अच्छी आवाज़ निकलती थी, ऐसा इस पानी का नज़ारा था। फ्लेक्स ऑफ क्लाउड्स, और आसमान पर मैंने नज़र डाली तो वहाँ मुझे बादल के टुकड़े नज़र आए इन द ब्लू स्काई, नीले आसमान पर लुक लाइक ए बिट्स ऑफ कॉटन वूल, जो कपास के मतलब कपास के टुकड़ों जैसे लग रहे थे वो बादल के टुकड़े। क्लोज टू माई चूजन स्पॉट, तो मैंने अपनी इस चूजन स्पॉट जो मैंने सिलेक्ट की थी ये जगह, इसको मैंने बंद किया। आई नोटिस्ड ए गर्ल ऑफ वेरी टेंडर एज, तो मैंने एक टीन एज की लड़की वहाँ देखी ग्रेजिंग द कैटल, वो मवेशी चला रही थी। समथिंग वाज इट इज़ द कूल ब्रीज सेंटिंग मी डोजिंग, तो मुझे वहाँ एक सर्द हवा भी महसूस हुई। आफ्टर ए स्पेल ऑफ डोजिंग आई वाज स्टार्टल्ड टू फाइंड द गर्ल सिटिंग क्लोज टू मी, तो चंद लम्हों के बाद मैंने इस लड़की को अपनी तरफ से बैठे हुए पाया। सीइंग मी ई सिट अप विद अ स्टार्ट शी गॉट ए बिट एम्बेरस्ड एंड पुलिंग द एंड ऑफ हर दुपट्टा ऑन हर हेड, और उसने अपनी इस दुपट्टे को अपने सिर से थोड़ा उठाया। शी सेड आई हैव बीन वॉचिंग यू, उसने मुझे कहा मैं आपका यहाँ इंतज़ार कर रही थी ऑल दीज डेज, इन दिनों में, एंड वंडरिंग हु यू आर, और मुझे ये मैं ये देखना चाहती थी आप कौन हो। द विलेज फोक टोल्ड मी स्ट्रेंज स्टोरीज अबाउट यू, जो ये गाँव वाले थे उनने मुझे आपके बारे में अजीब गरीब कहानियाँ बताई। आई आल्सो थॉट यू वुड बी लाइक वन ऑफ दोज फेलोज, तो मैंने भी यही सोचा कि आप उन्हीं में से होंगे। दैट इज़ व्हाई व्हेन आई सॉ यू फॉर द फर्स्ट टाइम, यही वजह है जब मैंने आपको पहली दफ़ा यहाँ देखा। आई हाइड बिहाइंड द ट्री, मैं दर्द के पीछे छुप गई। आई थॉट, मैंने सोचा दैट आई वुड ब्रेक यूर हेड, कि मैं आपका सिर ही तोड़ डालूंगी विद ए स्टिक, एक छड़ी से, इफ़ यू एडवांस टूवर्ड्स मी, अगर आप मुझ पर झपट पड़ोगे तो मैं आपका सिर ही तोड़ डालूंगा। बट वाई आई आस्क्ड सरप्राइजिंगली, द आथर रिप्लाइड टू द गर्ल वाई यू ब्रोक माई हेड, आप मुझे क्यों मेरा सिर तोड़ोगी, मैंने हैरानगी से कहा। शी फेल्ट ए लिटल अवेकड, आई हैड हर्ड, उसने कहा कि मैंने सुना दैट सिटी पीपल हु केम हियर आर सेल्फिश, मैंने सुना कि जो शहर के लोग यहाँ आते हैं वो थोड़ा बदमिजाज होते हैं। एंड सिंस यू आर आल्सो फ्रॉम द सिटी, तो आप भी शहर का ही एक बाशिंदा है। आई थॉट, मैंने सोचा आप भी उन्हीं लोगों में से होंगे। बट व्हेन आई सॉ दैट यू रिमेन लॉस्ट इन योर सेल्फ आर वॉकिंग अराउंड राइटिंग, लेकिन मैं जब मैंने ये महसूस किया कि आप सिर्फ यहाँ बैठने घूमने के लिए आए हैं और कुछ लिखने के लिए आए हैं, आई थॉट दैट यू आर सम, मैंने सोचा कि आप उनमें से नहीं होंगे। तो प्यारे बच्चों, ये था इस आथर और छोटी लड़की की जो टीन एज की लड़की थी, तो इसके बारे में, इनके बारे में, इनके दरमियान ये गुफ्तगू चल रही थी। तो दरअसल आथर का मकसद ये था कि वहाँ का आबो हवा, वहाँ का माहौल, वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ के लोगों की ऑब्जर्वेशन करनी। तो आथर का मतलब ही होता है, जो राइटर होता है इसका मतलब ही होता है
किसी जगह अगर वो जाएगा, ऑब्जर्वर जो होता है, तो वो ऑब्जर्वेशन करता है वहाँ उनकी, उन जगहों की, वहाँ के आबोहवा की, वहाँ के माहौल की, वहाँ के दरियाओं की, वहाँ के पेड़ पौधों की, वहाँ के लोगों का हाल अहवाल की। तो दरअसल इसका मतलब यही होता है, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ चक्कर करना होता है, बल्कि इसका, इस विजिटर का, इस ऑब्जर्वर का मकसद ही होता है कि वो नई नई चीज़ें ईजाद कर सके। तो इसी वजह से ऑथर ने हमें ये स्टोरी ऑफ हिल्स, जो इस स्टोरी का नाम है, तो यही समझने की हमें कोशिश की। तो इसी हिल्स के दरमियान यहाँ एक जगह है बसंतगढ़। तो बसंतगढ़ वो देखने गया था कि वहाँ कैसे लोग हैं, किस कस्म के लोग हैं, क्या काम करते हैं, और उनका हाल चालन तौर तरीका माहौल क्या है। तो इसी वजह से हमें राइटर यहाँ समझाने की कोशिश करता है। दरअसल राइटर का मतलब ही होता है कुछ अच्छी अच्छी बातें बच्चों में छोड़नी होती हैं। इसी वजह से ये स्टोरियाँ वजूद में आती हैं, या कोई और टाइप वजूद में आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से इस स्टोरी को समझ लिया होगा।